हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, RPFSI का जो आज एग्जाम हुआ है 6 जनवरी को, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जीके के, मैथ के, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न का एग्जाम आपका आ रहा है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, लगातार मैं आपके लिए रीजनिंग की, मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्लस साथ ही साथ रात को ऑनलाइन टेस्ट भी लेता हूं, जिसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, करंट अफेयर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको कवर करा रहा हूं रात के ऑनलाइन टेस्ट में। उसको देना मत भूलिएगा, वो रात को होता है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक RPFSI का टेस्ट परचेज नहीं किया है, जो 199 था वो अब 50 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि 150 रुपये में मिल रहा है, उसको परचेज करके लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्काउंट कोड ये है, इसे भरेंगे तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टेस्ट को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू की गई थी? तो ये 1925 में की गई थी। ये मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर करा रखे हैं, ये भी कवर कराया था रात के ऑनलाइन टेस्ट में। लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप एनालिसिस से ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसी एरिया में ज़्यादा मेहनत करिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये आपका मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है, डेल के CEO पूछा गया है, CEO से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गवर्नर से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ इस एरिया में थोड़ा पढ़िए, स्टडी करिए, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट CEO है। सारी वीडियोज़ तो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, एक बार सर्च करके टॉपिक स्टडी ऐड कर दीजिएगा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइकल एस डेल, राइट आंसर हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है ना, सारी की सारी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये कोने में त्रिभुज का निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिहार के गवर्नर पूछे गए थे, तो लालजी टंडन हो जाएगा, ये सभी को पता है आपको। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, G7 देशों का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कनाडा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है N2, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस, मतलब मैं बोल सकता हूँ, जो मैं कवर करा रखे हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोन फोक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? तो ये आपका रस्किन बॉन्ड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यानी कि बुक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको कवर करा दूंगा अगर आप मुझे बोलेंगे इस कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनकी एक PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। GST के स्लैब्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो 5 स्लैब है, 0 से लेके 28 तक, 0, 5, 12, 18, 28, ये स्लैब है GST के, ये भी आपको पता ही होगा। यूनिट ऑफ पावर पूछी गई थी, तो वोट है, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। डेनमार्क की मुद्रा पूछी गई थी, तो आपकी क्रोन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था मुंबई इंडियंस के ओनर कौन है? तो जो मुंबई इंडियंस टीम है उसके ओनर कौन है, IPL की टीम जो है, रिलायंस इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया था, तो वहाँ पे अगर नाम होगा मुकेश अंबानी या फिर नीता अंबानी तो वो भी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन पूछे गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पूछी गई थी, तो एंडीज माउंटेन, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैं आपको कवर करा चुका हूँ, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, ये सारे इस क्वेश्चन यार कवर करा रखे हैं, इसलिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट अगर आप डेली लगाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें तो कवर हो ही जाएगी। हाइड्रोजन हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है ये भी करा रखा है, बॉक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का होते हैं डायोप्टर, ये भी करा रखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो कराए हुए आए हुए हैं आपके आज के। ठीक है भाई, एक था आपका पावर हो गया, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा होता है, सोडियम होता है, सभी को पता है इसका भी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में अमृतसर शहर को स्थापित किसने कराया था, ये गुरु रामदास ने कराया था, जो गुरु रामदास जी थे उन्होंने इसको कराया था स्थापित। ठीक है, तो ये हो गया आपका GK का पोर्शन। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, मुझे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं लेके आता हूं, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं लेके आता हूं, क्योंकि कल भी पेपर हुआ था, कल क्वेश्चन नहीं मिले तो मैं वीडियो नहीं लेके आया हूं। तो अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा, अदरवाइज मेरी जो वैसी वीडियो आती रहती है रीजनिंग की, मैथ की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उनको ही देख लिया करें। ठीक है, तो रात का ऑनलाइन टेस्ट देख लीजिएगा, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आपका ये है कि वंडरफुल का यहाँ पे वाटर इमेज पूछी गई थी, तो मिरर और वाटर इमेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
यहाँ पे वंडरफुल में अगर पूछा गया है आपका वोटर इमेज, तो मैंने आपको बताया जो चीज़ें पास में होती हैं उनको पास में रखना है। मान लीजिए यहाँ पे मिरर आपका रखा है, तो कौन सी चीज़ पास में और कौन सी दूर है वो आपको रखनी है। मैं डब्लू बनाया, डब्लू का ये वाला पोर्शन पास में है तो इसको पास में ही रखना है। ओ वैसे का वैसे बन जाएगा, एन को ये इस तरीके से बन जाएगा, डी वैसे का वैसे रहेगा, ई भी कोई चेंज नहीं होगा। आर आपका देखिए खुला हुआ पोर्शन, आर का ये वाला नीचे वाला पोर्शन इसके पास है वोटर के, तो यही पास में रहना चाहिए, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एफ़ का भी आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आप इजीली बना सकते थे जो मैं आपको पहले से बता रखा है। ठीक है, एक सीरीज थी यहाँ पे, इसमें था जेड ए बी वाई एक्स सी डी डब्ल्यू वी ई और नेक्स्ट आपको दो बताने थे। तो सीरीज तो बहुत अच्छी थी, इसमें क्या था कि चौथे नंबर से रिलेशन बन रहा था, जैसे जेड का वाई से, फिर नेक्स्ट वाई से एक्स, यानी कि माइनस वन सीरीज ये चल रही थी। जेड का वाई माइनस वन, वाई से एक्स फिर माइनस वन, एक्स से डब्लू आपका माइनस वन। ठीक है, यानी कि एक एक पीछे चल रहा था, और पीछे चलने वाला कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा समझिए कि दो बीच में छोड़ के चौथे नंबर पे फिर नेक्स्ट एकदम मतलब माइनस करके लिख दिया, फिर दो छोड़ के एक मतलब माइनस करके लिखा, फिर एकदम एक माइनस करके लिख दिया, फिर दो छोड़ के लिखेंगे तो आपका यू आ जाएगा, ये तो हमें मिल गया। फिर यहाँ पे प्लस वन चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है, ई से एफ आ जाएगा, तो एफ और यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। एक और था, ये तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे स्क्वायर था, सीरीज दे रखी थी आपकी 149, 16, 25, 36, 49 और नेक्स्ट 64 था। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या था, तो स्क्वायर करना था, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर थे, तो लास्ट में एट का स्क्वायर करना था, एट का स्क्वायर 64, यही आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, एक था आपका इनके बीच में बताना था आपको कुत्ता बिल्ली और जानवर के बीच में एक वेन डायग्राम। तो देखिए कुत्ता भी और बिल्ली भी दोनों जानवर होते हैं, तो कुत्ता और बिल्ली को कौन कवर कर लेगा, जानवर, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम इसमें बनना था। भाई अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख रखे हैं ना, तो रीजनिंग, मैथ और जीके के अगर ऑनलाइन टेस्ट देख रखे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 से 80% पेपर आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी और मेहनत कर ली तो आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, कि बिना किसी कोचिंग के, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी कवर करा रखी हैं। अब अगर आप देखेंगे नहीं तो मतलब कैसे काम चलेगा। सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, सारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अब थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चैप्टर की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, एज से भी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, SI CI से भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था, डिस्काउंट से भी, और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से ये वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। ये तो हो गया मैथ का पोर्शन, मैथ के कुछ क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन हो गया, स्लोग हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनलोगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिरर एंड वोटर इमेज हो गया, सीरीज आपकी अल्फाबेट वाली भी थी और न्यूमेरिकल सीरीज भी थी, क्लोक वाला चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये क्वेश्चन मैं हमेशा आपको कवर भी कराता हूँ। हर एक वीडियो आप उठा के देख लीजिए रीजनिंग की, जो मिक्स क्वेश्चन किया, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करा रखे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पता चला है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है, इससे आधा घंटा बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये आपको बताना था। हमें सबसे पहले ए और बी दो नगर बनाने हैं, उनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर, ये आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चल दिया, तो जब ये ए से बी की ओर चल देगा, ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बी से ए की ओर चलेगा। अब मुझे ये बताइए, ये पूरा 4 किलोमीटर चलता है एक घंटे में, ये इससे आधा घंटा पहले चल चुका है, तो इसका मतलब, सॉरी, ये 8 किलोमीटर चलता है एक घंटे में, तो आधा घंटा पहले चला है, तो इसका मतलब ये 4 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। जब ये बी से ए की तरफ चलेगा इधर वाला साइकिल सवार, तो ये आधा घंटा चल चुका होगा, इसका मतलब 4 किलोमीटर चल चुका होगा। ठीक है, तो भाई ये जब 4 किलोमीटर चल चुका है, तो इसको 22 में से माइनस करिए, क्योंकि इसने ये 4 किलोमीटर अकेले ने कवर किए हैं, क्योंकि बी तब तक चलना स्टार्ट नहीं किया था, तो 22 में से माइनस करेंगे, बचेंगे 18 किलोमीटर। अब ये 18 किलोमीटर को कवर कौन करेगा, दोनों, जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो दोनों की चाल को हम प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 10 कितने हो जाएगा, 18, तो 18 को 18 से भाग कर दीजिए, तो ये मिलेंगे एक घंटे बाद, यानी कि एक घंटे में मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है
कि कितनी दूरी पर मिलेंगे ए के घर से। तो ए 1 घंटे में 8 चलता है, तो 1 घंटे बाद तो ये मिले हैं जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे चलना स्टार्ट करेंगे। तो 8 किलोमीटर तो ये तब चलेगा और 4 पहले चल रखा है, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे ए के घर से। ए के घर से मतलब ए के घर से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं जब मिलेंगे तो ए 12 किलोमीटर चल चुका होगा, ठीक है, और बी 10 किलोमीटर चल चुका होगा। अगर पूछे कि बी के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बी के घर से 10 किलोमीटर पे और ए के घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये कहीं बीच में मिलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, आपको कवर करा रखे हैं सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा। यदि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में कर लेता है, बी इस कार्य का 1/5 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे 2/5 भाग को ये 12 दिन में कर लेता है, मैं बोलूँ तो कि पूरे दिन पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, 2/5 भाग को तो 12 दिन में कर रहा है, अगर पूरा वर्क कराना होगा तो वो कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 5/2 में कर देंगे, 2/5 लिखा ना इसको उल्टा कर दीजिए 5/2, तो 5/2 में करेंगे तो 30 दिन में इसको पूरे वर्क को कर देगा। यानी कि टोटल वर्क का 2/5 भाग तो 12 दिन में कर रहा है और टोटल वर्क को 30 दिन में कर लेगा, ये इसका मतलब हो गया। बी द्वारा पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में किया जाएगा, ये करता है 1/3 भाग 5 दिन में, तो 3/1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, तो 15 दिन में टोटल वर्क कर लेगा। अब हमें पता चल गया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, बी उसे 15 दिन में कर लेता है। अब पूछा दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, दोनों कैल्शियम लीजिए कितना आएगा 30। अब ए इसे 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ए 1 दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, 30 को 15 से करेंगे तो बी 1 दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। तो दोनों का ये हम प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 यूनिट वर्क, तो 30 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे, 30 को 3 से भाग कर देंगे तो 10 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, आप सीधा जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी तो आपको मिल जाएगा टॉपिक स्टडी का लिंक, ज्वाइन करके वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सर्च करिएगा SURABHMALIK, ठीक है, और 17 के मतलब लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बिना स्पेस दिए, इस नाम को आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करिए, जाके कुछ भी पूछना हो तो एकदम फट से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।